हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वाटर प्रोपेगेशन के बारे में। वाटर प्रोपेगेशन मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है प्लांट्स को प्रोपेगेट करने के लिए और सबसे इजीएस्ट मेथड है। जब मैंने वो गार्डनिंग शुरू की थी तो मैंने एक मनी प्लांट को लगाया था एक कंटेनर में, और वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर था, तो मुझे सब कुछ दिख रहा था कैसे रूट्स बन रही है, क्या हो रहा है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उसके बाद मैंने इतने सारे प्लांट्स लगा लिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला व्लॉग भी उसी पर हो कि किस तरह से प्लांट्स को प्रोपोगेट करना है वाटर प्रोपोगेशन के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी मैंने कौन कौन से प्लांट्स वाटर में प्रोपोगेट किए हैं। उसके बाद मैं एक कटिंग लेकर आपको बताऊँगी कि किस तरह से प्लांट्स को हमने वाटर में प्रोपोगेट करना है। तो चलिए पहले मेरे प्लांट्स की सैर कर लेते हैं एक छोटी सी। तो ये मेरा सबसे पहला प्लांट है जिसे मैंने वाटर में प्रोपोगेट किया था। मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसका रूट सिस्टम कितना ज़्यादा है। अभी और ज़्यादा है नीचे, देखिए आप देखिए। और वैसे तो ये एक साल का हो चुका है, पर उसके बाद मैंने बहुत सारे ये सर्दियों की वजह से इसकी थोड़ी सी पत्तियाँ झड़ गई है यहाँ से दो तीन। बाकी आगे देखिए इसका अच्छा चल रहा है ये प्लांट अभी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है अंदर, और अगर आपका प्लांट थोड़ा सा भी ख़राब हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप उसको जल्दी से ठीक कर सकते हो। मतलब पूरा ख़राब होने से पहले आप उसे अच्छा वाला स्वस्थ कर सकते हो। तो अब मैं आपको ये देखिए, ये दूसरा मनी प्लांट, ये कटिंग से और इस प्लांट की कटिंग से मैंने सॉइल में भी यहाँ से कटिंग लेके सॉइल में प्रोपोगेट किया है प्लांट्स को, और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, अच्छे से क्यूट से प्लांट्स हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, एक सिंगल लीफ से प्रोपोगेट किया था मैंने और ये इतने ज़्यादा इसमें रूट्स बन गए हैं। ये और पहला प्लांट दोनों साथ में ही है, शायद इसी की लीव्स ये हैं। ये भी है मनी प्लांट एक मेरे पास, ये मुझे किसी ने दिया था, उनका प्लांट नहीं चल रहा था, उन्होंने मुझे सर्वाइव करवाने के लिए दिया था। बट ये आप इसकी रूट्स भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वो है, इसकी सेकेंडरी रूट्स भी निकल रही हैं, इसकी भी, इनकी भी, सभी की निकल रही है। तो ये भी मनी प्लांट है, ये देखिए सारे मनी प्लांट। ये वही वॉन्डरिंग जू है, और अभी दो तीन दिन पहले ही मैंने इसे लगाया था। और ये देखिए इसकी रूट्स, अगर आप देख पा रहे हो तो ये, और ये सिंगोनियम है, सिंगोनियम प्लांट, और इसके भी बहुत सारे रूट्स आ चुकी है। अभी मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, ये देखिए। और ये भी वही वंडरिंग जो है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी हम इन्हें पानी में प्रोपोगेट कर रहे होते तो ये अपना कभी कभी अपना ओरिजिनल कलर खो देते हैं। तो जो मैंने पहले आपको, ये है ज़ेब्रा कैक्टस, ये देखिए। ये एक्चुअल में ये सॉइल में इसकी अच्छे से नहीं चल पा रहा था, तो उसके बाद मैंने इसे वाटर में प्रोपोगेट किया, और ताकि नीचे पूरा ना डूब जाए तो मैंने इसे ऐसे लगाया। ये देखिए आप इसकी एक रूट्स देख सकते हैं, नीचे भी आई हैं, और ये काफ़ी हैप्पी है इसमें। और ये पोलका डॉट प्लांट है, और इसके बहुत सारे रूट्स मैं आपको दिखाती हूँ। इसका रूट सिस्टम, बहुत ज़्यादा रूट्स इसमें आ चुकी हैं नीचे। और ये मैंने मनी प्लांट दोनों इसमें इकट्ठे लगाए हैं, मनी प्लांट और एक मेरा बैम्बू प्लांट, मेरी फ्रेंड का एक्चुअल में, उसका डेड हो रहा था तो मैंने इसमें वो मुझे दिया है उसने ठीक करने के लिए, तो देखते हैं। और इसमें बैम्बू प्लांट लगाया, ये कोलियस का प्लांट है, और इसका भी मैं आपको रूट सिस्टम दिखाती हूँ। और ये जल्दी से इतना सारा पानी पी जाता है, ये देखिए फुल रखा था मैंने इसे। और ये मनी प्लांट की कटिंग मैं अभी लेकर आई हूँ थोड़े दिनों पहले, और अभी मैं अभी इसका सक्सेस रेट दिखाती हूँ आपको। पहले इसमें थोड़ा भी कुछ भी वो नहीं था, ये देखिए ये रूट दिख रही है आपको, ये रूट्स निकल रही हैं इसकी यहाँ से भी। और ये मैं थोड़े दिनों बाद आपके साथ इसकी पिक्चर्स शेयर करूंगी, बहुत सुंदर लगने वाला है ये प्लांट। ये प्लांट तो है ही खूबसूरत, ये तो मैं कहीं से खरीद के लाई थी, मैंने इसे खुद प्रोपोगेट नहीं किया है, बट फिर भी ये पानी में बहुत अच्छा चल रहा है। और ये स्पाइडर प्लांट है, इसकी कटिंग भी मैंने लगाई थी एक,
ये तो बहुत ही आसानी से, बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाते हैं ये प्लांट्स, और मैं इसी को आपको प्रोपोगेट करके बताऊंगी अभी कि कैसे आपने इसकी कटिंग्स लगानी है और कैसे इस तरह के रूट सिस्टम आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। ये मेरा स्पाइडर प्लांट है, ये देखिए, इसके पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इसमें से कोई भी हम कटिंग ले सकते हैं। और किसी दुष्ट ने इसे पहले यहाँ पे गिराया हुआ था तोड़कर, तो ये भी प्रॉब्लम होती है जब हम कहीं रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कोई भी तोड़ के चला जाता है प्लांट्स ऐसे। चलो मैं एक और कटिंग आपको लेके बताती हूँ, एक तो चलो या तो इसी में बता देते हैं आपको। ऐसे अपने इनके जो पप्स हैं बहुत सारे निकले हुए, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। ये देखिए इनकी नीचे ये रूट्स निकली हुई हैं, बस ये होनी चाहिए। फिर आपने इसका यहाँ से कट कर देना है इसे, और फिर पानी में लगा देना है, अच्छे से लग जाएगा और ग्रो भी कर जाएगा। उसके बाद आप इतना बड़ा प्लांट ग्रो कर सकते हो अपने पास, जिससे आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। तो ये हमारी कटिंग है, और मैं आपको एक बार ये वाला पोर्शन हम रिमूव कर देंगे इस तरह से, क्योंकि इसका कोई कोई काम नहीं है हमारे पास। हमें बस इसकी ये वाली रूट्स चाहिए जो कि इसमें प्रेजेंट है, और मेरे पास कोई प्लांटर अभी था नहीं, तो फिर मैं ये दही के बॉक्स में इसे लगाऊंगी, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था इसकी तरह। तो ये इसका पाइप बनेगा थोड़े दिनों के बाद जब ये बड़ा हो जाएगा। लेट्स सी, बस हमने पानी फिल कर लिया है इसमें, और ये देखिए इसमें बस हमने इसको वो करना है, डिप करना है, और कुछ दिनों के बाद आप हम देखेंगे कि इसके इसमें रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। जस्ट लाइक दिस बेबी। मनी प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए आपको एक ऐसी कटिंग लेनी होगी जिसमें ये नोड्स हों, या देखिए ये रूट्स जहाँ से डेवलप होगी। लाइक हम अगर मुझे यहाँ से कटिंग लेनी है तो मैं यहाँ से कट करूँगी साथ में, जिसके साथ ये रूट भी आ जाएँ, और ये भी है रूट, नोड्स नोड्स जहाँ पर हैं वहाँ से आप इसको पानी में डिप करके प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। और ये दोनों बेबीज भी मैंने ग्रो किए हैं इसी मनी प्लांट के कटिंग से। ये सर्दियों में थोड़ा सा बाहर रह गए थे, इस वजह से ऐसे हो गए हैं, ये देखिए। सेम थिंग इसमें है, आपको एक नोड के साथ कटिंग लेनी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये नोड्स हैं, जैसे वो जहाँ पे रूट निकले वहाँ से। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक बहुत बड़ी कटिंग लेंगे और उसे लगाएंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक छोटी सी कटिंग लेनी है जस्ट, और बस नोड एरिया उसमें प्रेजेंट होना चाहिए ताकि उसकी रूट्स वहाँ से निकल पाए। और ये देखिए छोटा बेबी निकल रहा है यहाँ पर। सो गाइस, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।